अस्सलाम वालेकुम क्वेटा वॉइस के साथ मैं मना मंदूखील हूँ। इस वक्त मैं क्वेटा के सरीना चौक पर मौजूद हूँ। मियाँ साहब की आमद का सिलसिला जो शुरू हो गया है इस वक्त। मियाँ साहब जाती उमरा से शहबाज शरीफ के साथ, उसके साथ जो है मरियम नवाज़, वो इस वक्त क्वेटा के दौरे पर आ रही है। ये सियासी दौरा है, बलूचिस्तान में पहली जो सबबंदी है सियासी तौर पर नून लीग की जानिब से। सियासत का जो आगाज़ है यहाँ से किया जा रहा है बलूचिस्तान से। 20 से ज़ायद जो शख्सियात है, इलेक्टेबल्स है, वो आज नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जो ज़राए बताते हैं इनमें बाप पार्टी से, पीपल्स पार्टी से और यहाँ के जो मकामी जो सियासतदान है वो इसमें शमूलियत करेंगे। मियाँ साहब अब तक पहुँचे नहीं क्वेटा, लाहौर से रवाना हो गए। मज़ीद तफसीलात जाने के लिए शाह साहब मेरे साथ मौजूद है। शाह साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताएं, मियाँ साहब ने सियासी सफ़र का आगाज़ बलूचिस्तान से किया है, यहाँ से क्या होने वाला है? यानी पीपल्स पार्टी के लिए पहले ग्राउंड तैयार था, नून लीग के लिए इशारे मिल रहे हैं, ग्राउंड बन रहा है मेरे ख्याल में। ग्राउंड मनान खान बन नहीं रहा बल्कि बन चुका है। देखिए, ये जो मेरे और आपके बैकग्राउंड में जो बैनर्स लगे हुए हैं, इनसे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हवाओं का रुख जो है वो किस तरफ है। साल पहले हम ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जी बिलावल हाउस के सामने बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स की लाइनें खड़ी हैं, पहले आई है पहले पाई है, ये बातें हो रही थी। अब ज़ाहिर है जब से निगरान हुकूमत जो है ये वजूद में आई है, उस वक्त से लेकर अब तक हवाओं का जो रुख है वो चाहे कौमी लेवल पे हो या बलूचिस्तान के लेवल पे हो, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। यकीनन मियाँ साहब का जो दौरा है वो अहमियत का हमल है। मियाँ साहब अब थोड़ी देर के बाद यहाँ क्वेटा पहुँच रहे हैं, यकीनन इस दौरे की एक अहमियत है। ऐसा लग रहा है, बल्कि ये क्लियर है कि मियाँ साहब अपने सियासी जो मुहिम है या इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ क्वेटा से कर रहे हैं। आपने कहा कि 20 से ज़ायद शख्सियात जो है वो शमूलियत करने जा रहे हैं, तो हमारे जो देखने वाले हैं उनकी इंटरेस्ट ज़रूर इसमें होगी कि ये कौन कौन है। कहने का मकसद सर, थोड़े से नाम वगैरह की बता दिए कौन लोग हैं, माजी भी ये पार्टियाँ बदलते रहे या यहाँ के मकामी सियासी जो लोग हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग इसमें शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जितने नाम मेरे पास आए हैं, साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान, उनके साथ है निगरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के भाई दोस्तैन ख़ान डोमकी, साथ ही रामेन मोहम्मद हसनी, जिनका ताल्लुक साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बिजनजो के आबाई ज़िले से है, रामेन मोहम्मद हसनी अवारान से है। साथ ही हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, ज़ाहिर नाज़रीन भी हम बारहा कह चुके हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे आमतौर पर बाप कहा जाता है, उसके साबिक सूबाई वज़रा जिनमें सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, नूर मोहम्मद दुमड़, तौर उत्मान खेल, सरदार मसूद गनी, मोहम्मद खान लेड़ी, डॉक्टर रुबाबा बुलेदी, साथ ही करीम नौशरवानी साहब या उनके साहबजादे मीर शुएब नौशरवानी जो है, ये सारे इनके मामलात जो है तकरीबन मुस्लिम लीग नून के साथ तय हो चुके हैं और ये शमूलियत की तैयारी कर रहे हैं। आज रस्मी तौर पर ये तमाम शख्सियात जो है मियाँ साहब की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करेंगे। शाह साहब, मियाँ साहब जाम साहब को और चंद ऐसे नाम है जिन्होंने माजी में धोखा दिया नून लीग को, यानी बुरे वक्त में साथ नहीं दिया है। मेरे जो मालूम है, जाम साहब गए लाहौर मीनार पाकिस्तान को स्टेज पर नहीं जाने दिया गया, आज शमूलियत कैसे करेंगे? लगता ही है मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने भी एंड ब्रेक खींच लिया है, वो कह रहे हैं कि लोगों को देख करके छानबीन के बाद जो है उनकी शमूलियत तैयार करने के लिए मौका दिया जाएगा। देखिए, मनान खान सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है कोई सियासी उसूल यहाँ पे नहीं है। हमारी जमहूरियत उस स्टेज तक अभी तक नहीं पहुँच सकी है जहाँ पर दुनिया में डेमोक्रेसीज का एक स्टेज है, उसूल होते हैं। यकीनन मियाँ साहब भी अभी नहीं देख रहे, वो कहते हैं कि आने दो, जो भी आ रहे हैं उनको आने दो, एडजस्ट करने दो। आपने कहा जाम कमाल ख़ान, ज़ाहिर है वो स्टेट मिनिस्टर थे, जब यहाँ पे ओवरनाइट एक कुदता हुआ उसके नतीजे में नवाब सनाउल्लाह ज़री साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान वो डी सीट हो गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उनके खिलाफ आई, मीर कुदूस बिजन जो ओवरनाइट यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। या मेरे और आपके बैकग्राउंड में जितने भी शख्सियात हैं इन सब ने मीर कुदूस बिजन जो को सपोर्ट किया, तो मियाँ साहब को उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। लेकिन मियाँ साहब ज़ाहिर है नेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हैं, इनके बगैर वो खेल नहीं सकते हैं, इन शख्सियात के बगैर वो खेल नहीं सकते हैं। जहाँ तक इन शख्सियात की बात है, थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ, 1990 की दहाई से लेकर अब तक 2023 तक 33 साल का जो सफ़र है, इन शख्सियात का अगर थोड़ा सा
आप देखें अप्स एंड डाउन, ये कोई 7-8 जमातें जो हैं तब्दील कर चुके हैं। कभी ये नून का हिस्सा रहे हैं जब मियाँ साहब बाहरी मैंडेट के साथ आए, फिर 12 अक्टूबर 1999 का वाक़िया होता है, फिर इन पर प्रेशर आता है बशमूल शेख जाफर ख़ान मंदोखेल जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर है, इन पर भी जब प्रेशर आया तो ये काप में चले गए। फिर साथ ही ये काप में थे, फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया, नवाब असलम रेसानी चीफ मिनिस्टर बने, फिर ये सारी शख्सियात वहाँ पे जमा हो गए। फिर देखा कि जी अब पीपी में कोई जगह नहीं है, तो देखा कि जी नई गवर्नमेंट बनी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, साथ ही मुस्लिम लीग नून, ये फिर दोबारा पीपल से मुस्लिम लीग नून में वापस आ गए। अच्छा, फिर वहाँ पे रहे, उसके बाद फिर आपके सामने सूरत हाल 2018 के इलेक्शन हो गए, ये कुछ शख्सियात पीटीआई में चले गए, पीपल्स पार्टी ने यहाँ से कोई सीट नहीं लिया, ये नून का कोई सीट नहीं आया। 5 साल तक मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में एक डेड पॉलिटिकल पार्टी रही। अब ओवरनाइट ऐसा लग रहा है कि इनकी तादाद कोई 15-20 तक पहुंच जाएगी। तो ये जो शख्सियात है, ये इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि अपनी सीट जीत जाए, साथ ही अच्छी मिनिस्ट्री मिले। अच्छा, थोड़ा सा नाजरीन को ये बता दूँ, ये शाह साहब 2024 में क्या देख रहे हैं, नेशनल लेवल पर, बलूचिस्तान के लेवल पर नए चेहरे सामने आएंगे, यही लोग होंगे दोबारा, सिर्फ लेवल जो चेंज होगा? देखिए, 2024 में नेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो मियां साहब के लिए लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो बेस्ट है, ग्राउंड तैयार है मियां साहब के लिए, प्रोटोकॉल से भी अंदाज़ा हो रहा है, और जिस हिसाब से लोग जो है जा रहे, ये इलेक्टेबल्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं,